भोपाल में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। वहीं कोविड के बाद ये होने वाली पहली शोभा यात्रा थी। भोपाल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाल कर मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माता मंदिर से आरती द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक पीसी शर्मा ने शिरकत की और बताया कि पिछले 2 सालों से इस यात्रा पर कोविड की वजह से रोक लगी थी। कोविड के बाद इस बार भव्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यहीं न्याय के देवता परशुराम के बारे में बताते हुए कहा कि आज के लोगों को जो न्याय की गद्दी पर बैठे हैं, उन्हें भगवान परशुराम से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, कोविड काल में बंद हुई थी, वरना माता मंदिर से लेके न्यू मार्केट, रोशनपुरा, रंगमहल और जवाहर चौक से हर साल निकाली जाती है। और इसमें केवल ब्राह्मण समाज के नहीं, सभी समाज के लोग में इकट्ठे होते हैं। इसमें आज वहाँ जाकर आतिशबाजी भी होगी, महाआरती होगी भगवान परशुराम की। और भगवान परशुराम जो न्याय के देवता थे, न्याय के भगवान, इसे यही कामना करते हैं कि सब प्रेरणा लोग के जो भी लोग हैं, जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हो, न्याय करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्रह्मश्री सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति के अध्यक्ष शलभ गार्गव ने बताया कि पिछले कई सालों से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी शोभा यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। वहीं शोभा यात्रा का समापन जवाहर चौक पर भक्तों को प्रसाद वितरण करके किया गया। ब्रह्मश्री ब्राह्मण सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति विगत 8 से 10 वर्षों से शोभा यात्रा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पे निकालता है। भगवान के स्वागत में इस दिन हम सभी विप्र बंधु और संपूर्ण ब्राह्मण समाज के अलावा संपूर्ण हिंदू समाज भी हमारे साथ रहता है। इस स्वागत में भोपाल शहर गणमान्य नागरिक, विप्र बंधु, प्रबुद्ध जन सब मौजूद रहते हैं। और ये शोभा यात्रा माता मंदिर से स्टार्ट होके रंग महल, न्यू मार्केट, जवाहर चौक होते हुए अटल पथ पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है। इस महाआरती के पश्चात आतिशबाजी एवं विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। इसमें सभी संख्या बल के लोग, सभी समाज के लोग सभी मौजूद रहते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।